अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू टीवी में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बॉन्स वाइट, नहीं ब्राइट ब्यूटी। ये नया है और मैं हमेशा नए ब्रश ट्राई करती रहती हूँ। और इसका जो क्वांटिटी एंड प्राइस है वो है 15 ग्राम्स और प्राइस है 42 रुपीज़। सो जो वाइट ब्यूटी है उससे ये थोड़ा बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इस मामले में। और इसमें दो तरह के हैं, एक डे क्रीम नॉर्मल स्किन का और एक SPF वाला। तो मैं SPF वाला अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, पर फिर भी मुझे पता है घर में रहो या बाहर में रहो SPF ज़रूरी है। पर फिर भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है जो SPF वाला प्रोडक्ट है उसमें वो थोड़ा ऑयली होता है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। और ये मेरी स्किन को ड्राई रखता है, इसलिए मैं बिना SPF वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो आइए बात करते हैं इसकी क्वालिटी की और ये कितना बेटर है वाइट ब्यूटी से। जैसा आप जानते हैं वाइट ब्यूटी क्या करता है, एक सफ़ेद लेयर डाल देता है, जैसा मानो कि लगता है कि आपने टैल्कम लगाया हुआ है, पाउडर के धब्बे लगाया हुआ है इस तरह का, अगर आप अच्छे से ब्लेंड ना करें और ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो तो फेयर स्किन में तो अच्छे से समा जाते हैं। और ये ब्राइट ब्यूटी है फ्रेंड्स, मैं आपको इसको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा दूँगी। ये भी वाइट ब्यूटी की तरह ही है, बस डिफरेंट इतना है कि आप खुद ही देख लेंगे डिफरेंट। वाइट ब्यूटी ना ज़्यादा वाइट कास्ट देता है और ये ब्राइट ब्यूटी वाइट कास्ट देने के साथ साथ स्किन को मुझे लग रहा है कि ब्लीच करता है। ब्लीच आप जानती होंगे फेशियल हेयर को और डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए लड़के लड़कियाँ ब्लीच करते हैं। अब देख सकते हैं समा चुका है, मेरी स्किन उतनी भी वाइट नहीं है, आई एम व्हाइटिश, गेहुआ रंग है मेरा। और इसमें भी ये ब्राइट ब्यूटी समाया है, पता चल रहा है कुछ लगाया भी है या नहीं। सो ये डिफरेंट है, वाइट ब्यूटी अगर होता तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता। सो यही इसका रिव्यू है फ्रेंड्स। अगर आप क्यूरियस हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए तो बेशक करें, वाइट ब्यूटी से ये बेटर है और मैं आज के बाद से इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। और अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है, कर चुके हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें।